क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग रोड पी क्यू ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 2 मीटर इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट्स लेंथ। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2 टेस्ला एग्जिस्ट ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। देन हमें निकालना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2t एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ मोशन। देन हमें Vp माइनस Vq हमें निकालना है क्या होगा। तो हमें पता है कि E इंड्यूस, हमारे पास E इंड्यूस क्या होता है, E इंड्यूस क्या होता है कि हमें हमारे पास वेलोसिटी इस प्रकार हो कि B, L और V तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगी इस साइड, अगर इसके हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा V cos थीटा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास V sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी √3। तो हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर और क्या आ गया हमारे पास √3 V sin थीटा एंड V cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी √3 और ये क्या आ गई हमारे पास 1 मीटर। तो ये 3 मीटर पर सेकंड और ये क्या आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमारे पास E इंड्यूस क्या होता है BLV, इसमें V इस प्रकार होता है कि बी एल और V तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर। तो E इंड्यूस हमारे पास क्या आ जाएगा, B हमें क्या दे रखा है, B हमारे पास दे रखा है 2, वेलोसिटी हमारे पास 1 आएगी और लेंथ हमारे पास क्या आ गई 2 मीटर, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 4 वोल्ट। ये हमारे पास P और Q पॉइंट है, तो Vp माइनस Vq हमारे पास क्या आ जाएगी 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो Vp माइनस Vq हमारे पास क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन।